नमस्ते, मैं द्वितीय सेमेस्टर बीएससी मनोविज्ञान सेंट मेरीज कॉलेज पुतनांगाड़ी से रिया मोहम्मद हूँ और मैं आज के दिन के महत्व के बारे में बात करने वाली हूँ। पहले 1909 मार्च को जन्मे पुदुवेल नारायण पणिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। केरल ग्रंथशाला संगम की गतिविधियों की शुरुआत उन्होंने केरल में एक लोकप्रिय सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसने 19वीं सदी में राज्य में सार्वभौमिक साक्षरता का उत्पादन किया। 19 जून उनकी बरसी केरल में 1999 से वायना दिनम यानी पाटन दिवस के रूप में मनाई जाती है। केरल में शिक्षा विभाग 19 जून से 25 जून तक एक सप्ताह के लिए वायनवरम यानी पाटन सप्ताह भी मनाया जाता है। 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून केरल के पाटन दिवस को भारत में राष्ट्रीय पाटन दिवस के रूप में घोषित किया। इस महीने को भारत में राष्ट्रीय पाटन माह के रूप में भी मनाया जाता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि हमारे पास किताब पढ़ने के लिए राष्ट्र दिवस क्यों है, ना कि खेलने के लिए। वैसे भी हम हर रोज कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ने में कैसी खास बात है। किताबें छुपे हुए खजाने हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने लोगों को किताबों से दूर कर दिया है। हमें किताबों को एक बार की घटना की तरह देखना बंद करना चाहिए। उन्हें बार बार पढ़े, उन्हें अपना दोस्त माने, क्योंकि महान साहित्य हमें वैकल्पिक दुनिया का पासपोर्ट देती है और लोगों को दूर देशों और संस्कृतियों से जोड़ना महान साहित्य का सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए किताबें पढ़ने के कुछ फायदे देखते हैं। पहला, किताबें पढ़ना दिमाग के लिए भोजन के समान है। जिस तरह हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को चरम प्रदर्शन पर कार्य करने के लिए हमें नई नई चीज़ें सीखना जारी रखना चाहिए। अधिक पढ़ने से आप होशियार हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी नई जानकारियों का उपयोग करते हैं और आपके दिमाग को शीर्ष आकार में रखते हैं। दूसरा, किताबें हमें बेहतर तरीके से बातचीत करने में मदद करते हैं। किताबें आपकी शब्दावली का विस्तार करने में मदद करती हैं, जिसका उपयोग आप स्वयं को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ने से आपका जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे आप एक अनूठा दृष्टिकोण जोड़ सकते हैं या फिर आप अपने तर्क को कायम रख सकते हैं। तीसरा, आप एक सफल व्यक्ति से बहुत सस्ते दाम में सलाह ले सकते हैं। लोग वॉरेन बफे के साथ लंच करने के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन किताबों से आप एक सफल व्यक्ति से $50 से कम में सलाह ले सकते हैं। एक पुस्तक सटीक शब्द, विचार, मानसिकता और यहाँ तक कि लेखक का अनुभव कागजों के संग्रह पर लिखा गया है। 75% स्वयं निर्मित करोड़पतियों ने कहा कि वह महीने में कम से कम 2 पुस्तक पढ़ते हैं। पढ़ने से आपका जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह अपूर्णीय है। चौथा, किताबें आपके दिमाग को खोलती है। एक पाठन के रूप में आप अलग अलग विचारों और विश्वासों के अलग अलग लोगों के अलग अलग कहानियों से परिचित होते हैं और ये आपके दिमाग को खोलने में मदद करता है। दूसरों को स्वीकारने के साथ साथ आप अन्य लोगों के चरित्र को न्याय देने में आपकी जो क्षमता है उसे ये सुधारता है। पांचवा, किताबें हमें वह व्यक्ति बनाने में मदद करती हैं जो हम बनना चाहते हैं। किताबें पढ़कर हम अपने व्यक्तित्व या विश्वास को बदल सकते हैं। एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए किताबें हमारे लिए एक नई दुनिया खोलते हैं। तो ये थे किताब पढ़ने के कुछ फायदे। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पुस्तक पढ़ने में प्रेरित करेगा। धन्यवाद।